नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पीएम नरेंद्र मोदी पर उर्मिला मातोंडकर की चुटकी, बायोपिक को बताया कॉमेडी फिल्म। अभिनेत्री से कांग्रेस प्रत्याशी बनी उर्मिला मातोंडकर राजनीति माहौल में रमती नजर आ रही है। उत्तरी मुंबई सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने मुंबई मराठी पत्रकार संघ से बातचीत कर उर्मिला मातोंडकर ने मुंबई में बातचीत के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी की बायोपिक का भी जमकर मजाक उड़ाया। उर्मिला पूरी सभा के दौरान भाजपा और पीएम मोदी के भूले वादे याद कराती दिखी। उन्होंने कहा कि मोदी जी जीवन पर बनी फिल्म और कुछ नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पर एक मजाक है, क्योंकि 56 इंच के सीने का दावा करने वाले कुछ भी करने में पूरी तरह विफल साबित होते हैं। उर्मिला ने कहा, उनके जीवन पर बनी फिल्म लोकतंत्र, गरीबी और भारत की विविधता पर मजाक है। इसके अलावा उर्मिला ने चुटकी लेते हुए कह डाला, उन पर और उनके अधूरे वादों पर तो कॉमेडी फिल्म बननी चाहिए थी। वर्ल्ड कप टीम में चुने जाने के बावजूद हार्दिक पांड्या के एल राहुल के खेलने पर लटकी है तलवार, ये है वजह। वर्ल्ड कप के लिए घोषित भारत की 15 सदस्यीय टीम में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को मौका मिला है, लेकिन इन दोनों के वर्ल्ड कप खेलने पर फैसला अधर में लटका हुआ है। दरअसल एक टीवी शो में अनुचित टिप्पणियों के लिए इन दोनों खिलाड़ियों को अभी BCCI लोक जैन से क्लियरेंस मिलना बाकी है। दोनों खिलाड़ी वैसे तो जैन के सामने अलग अलग पेश हो चुके हैं। हार्दिक पांड्या DK जैन के सामने 9 अप्रैल को पेश हुए थे, जबकि KL राहुल 10 अप्रैल को मुंबई में उनके सामने पेश हुए थे। 15 अप्रैल को भारतीय टीम की घोषणा हुई थी। मैनपुरी लोकसभा बसपा प्रमुख मायावती ने पीएम मोदी को बताया नकली पिछड़ा, कहा मुलायम सिंह यादव OBC के असली नेता। मुलायम सिंह यादव UP के मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा सपा और रालोद UP में महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कुछ 7 चरणों में मतदान होना है। चुनाव के नतीजे 30 मई को आएंगे। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नकली पिछड़ा बताते हुए मुलायम सिंह यादव को OBC का असली नेता बताया। मायावती मैनपुरी से सभा के लोकसभा चुनाव उम्मीदवार मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांग रही थी। बसपा प्रमुख ने करीब 2 दशकों समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ मंच पर साझा किया। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।